ओके, लेट्स डू इन प्रैक्टिस व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। बहुत छोटी सी चीज हमने डिस्कस की है, तो आप उसको थोड़ा सा लेक्चर्स को दोबारा से सुनिए। तो आप देखिए, उसमें हमने एक टेबल की बात की थी, ग्राफ की बात की थी, और मैंने कहा था कि हम इसको करके देखेंगे। अदरवाइज जस्ट जस्ट देखने से कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी वीडियोज हैं, इवन अभी मैं करूंगा, जब तक आप नहीं कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हमें अगर अपना कुछ बिगाड़ना है तो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। तो आई विल डू इट फॉर यू, देन यू हैव टू गो डू इट एट योर ओन। तो मैं स्टेटा के साथ भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ, आर के साथ भी कर देता हूँ। जिन लोगों ने किसी एक को रखना है तो वो दरमियान से वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, या पहले वाले पार्ट को स्किप कर दें, या बाद वाले को स्किप कर दें, तो इट्स अप टू यू। स्टेटा ये कमांड विंडो है, यहाँ पे ये आपके रिजल्ट विंडो होगी, ये आपकी लास्ट कमांड रिकॉल होगी, ये वेरिएबल्स हैं, डू फाइल, लॉग फाइल, मार्कडाउन, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में डिस्कस करते रहेंगे। एट द मोमेंट हम कैलिफोर्निया स्कूल डेटा, जो कि 420 डिस्ट्रिक्ट्स का था, जिसमें क्लास साइज स्मॉल और लार्ज हमने डिफाइन किया, कि क्लास साइज लेस देन 20 इज कंसिडर्ड एज स्मॉल, क्लास साइज ग्रेटर देन 20 इज कंसिडर्ड एज लार्ज। तो उनके हमने टेस्ट स्कोर्स को कंपेयर किया। तो सबसे पहले हम उस डेटा को यहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि उससे पहले अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट कर लीजिए कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है। तो जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होगी, स्टेटा के रिजल्ट वहां पे स्टोर हो रहे होंगे। तो इस वक्त मैंने रीसेंट डेटा सेट्स में, ये मेरे पास कैलिफोर्निया स्कूल डेटा जो है वो ओपन था, आप देख लीजिएगा। तो क्या आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, आप उसको एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, सीएसवी फाइल से, विल डिस्कस दोज थिंग्स। एट द मोमेंट वी नीड ओनली टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज टेस्ट स्कोर एंड अदर वेरिएबल इज स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दीज वेरिएबल्स, आई एम गोइंग टू राइट डाउन हेयर कीप टेस्ट स्कोर एंड एसटीआर, ऑल अदर वेरिएबल्स विल बी रिमूव्ड। तो आर में और स्टेटा में यही फर्क है, आर में वो वेरिएबल्स अगर हम काम भी करते रहते हैं तो वो साथ रहते हैं। तो अभी हम उसको भी देख लेते हैं। तो आप देखिए कि ये आपके पास, इसको आप समराइज कर सकते हैं, दो वेज हैं। एक है आप स्टेटिस्टिक्स में जाइए, यहां से समरी स्टेटिस्टिक्स, तो आप यहां पे समरी स्टेटिस्टिक्स में जाके इसके मीन वेरिएंस और ये सारा कुछ कर लें। तो ये देखिए समराइज, तो स्टेटा में अगर आप पहली चार वर्ड्स या पहली दो वर्ड्स भी दे देते हैं तो उसको समझ आ जाती है। तो यहां पे अगर मैं ये लिखूं एस यू टेस्ट स्कोर एस सी आर एस टी आर, तो ये देखिए दोनों ऑब्जर्वेशन आ गई, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया। बट जैसे मैंने वहां पे कहा था कि इससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये आपके पास जो है वो इसमें बुनियादी तौर पे इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अच्छा, अब दूसरा हम काम करते हैं, हम ये कह देते हैं कि जी एस यू समराइज, एस यू मीन समराइज टेस्ट स्कोर इफ क्लास साइज इज स्मॉल दैट इज लेस देन 20। तो ये आपके पास 657 पॉइंट समथिंग वहां पे आपके पास मीन आ गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन पूर्ण था, वो सारा कुछ। और इसी तरह से आप ये कर सकते हैं टेस्ट स्कोर एस सी आर इफ एस टी आर इज ग्रेटर देन 20। तो ये आपके पास 649, तो यहां पे आपका मीन आप उस टेबल की वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन टेक डिटेल स्टेटिस्टिक्स। तो अगर मैं यहीं पे ये देखिए लास्ट कमांड रिकॉल, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहां पे कमांड रिकॉल हो जाती है। इफ आई गो फॉर डिटेल यू विल गेट इट, कि ये आपके वो परसेंटाइल्स भी आ जाएंगे। तो इसी तरह से परसेंटाइल फंक्शन भी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आई मीन यू कैन यू हैव मैनी मैनी ऑप्शन, तो वी लर्न दोज ऑप्शन साइड बाई साइड जब हम अपने लेक्चर्स के साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने इसको काम को रेप्लीकेट कर देना है। No. एक और चीज हमने वहां पे देखी थी स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट में आप, अगर आपको कमांड याद नहीं है तो आप यहां पे टू वे स्कैटर प्लॉट जाइए, क्रिएट में आपका जो वाई वेरिएबल है दैट इज टेस्ट स्कोर, और एक्स वेरिएबल जो है जिसपे वो लिंक्ड है दैट इज
अगर आप सबमिट करेंगे तो ये आपके पास स्टेटस डायलॉग बॉक्स ओपन रहेगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट करके ओके कर देंगे, यहां पे अगर सबमिट करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन रहेगा और आप इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। वो डायलॉग बॉक्स आपके पास यहां पे ओपन है, आपको दोबारा से वहां नहीं जाना। तो आप देखिए, तो यहां पे आपके पास ये नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड टेस्ट स्कोर आ गया है। आप इस ग्राफ को एडिट कर सकते हैं, यू हैव सो मैनी ऑप्शन। तो आप इस ग्राफ के लिए जो है वो ये साइज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, ये जो आपके डॉट्स हैं इनको कम ज्यादा, वो सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, यू कैन गो विद दैट। और यहां पे आपके पास एडिट कर सकते हैं, अपने ग्राफ को रीनेम कर सकते हैं, बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं। तो आई होप कि स्टेटा को हम साथ साथ सीखेंगे। परसेंटाइल्स के लिए आपको कमांड है पीसी टाइल, तो वो हम सारी चीजें यहां पे देखेंगे। एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू स्विच टू आर। आर इज रियली रियली वेरी यूजफुल फॉर रिप्रोड्यूसेबल रिसर्च, फॉर प्रोड्यूसिंग होल डॉक्यूमेंट्स। तो मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बेसिक्स, तो ये आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट होता क्या है कि आप यहां पे आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट होता है, आप यहां पे आर मार्कडाउन लिखेंगे तो ये आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। आप इसको रीनेम कीजिएगा। अगर मैं अनटाइटल्ड छोड़ दूंगा तो ये देखिए एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस वक्त मैं इसमें नहीं जा रहा, आई एम हियर, ये मैंने जो है वो थोड़ी देर पहले किया है। तो यहां पे आपके पास जब भी ये थ्री डॉट्स और ये कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड आर लिख देते हैं तो दिस इज कॉल्ड चंक, ये कोड होता है। और जो ये कमांड्स होती हैं ये कमेंट्स होते हैं, यहां पे आप सारी कमेंट्री कर सकते हैं। आपको अगर आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट देखना हो तो मेरी कुछ और वीडियोस और बहुत सारा अवेलेबल, बड़े नाइस वे से डिफरेंट लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। जो मुझे लाइब्रेरीज चाहिए इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, जिन लोगों के पास पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है वो थोड़ी सी आर की वीडियोस इसी चैनल से देख सकते हैं या और बहुत सारी जगह हैं जहां से वो देख सकते हैं। तो यहां पे डेटा को आप एक्सेल से रीड करवा सकते हैं। तो मैंने बेसिकली लाइब्रेरी रीड एक्सेल, यहां पे मेरे पास कैलिफोर्निया स्कूल डेटा है जिसको मैंने रीड किया है। आप व्यू करना चाहें तो इस सारे डेटा को व्यू कर सकते हैं। अब देखिए, तो यहां पे कैलिफोर्निया, तो यहां पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, मैं आई एम यूजिंग dplyr कैलिफोर्निया स्कूल डेटा। ये पाइप ऑपरेटर मैंने यूज किया, कैसे करते हैं इन चीजों को आप जरूर देखिएगा। अदर वीडियोज में म्यूटेट, मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया क्लास साइज, तो उसको मैंने कहा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। यहां पे मैं चाहूं तो मैं सिर्फ ये तीन वेरिएबल्स, जैसे वहां पे मैंने स्टूडेंट टीचर रेशियो रख लिया था, टेस्ट स्कोर रख लिया था, यहां पे भी मैं उसी तरह से ये वेरिएबल्स रिटेन कर रहा हूं, बाकी वेरिएबल्स मेरे डेट 1 से ड्रॉप हो जाएंगे। बट यहां पे ये है कि आपका ओरिजिनल डेटा इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, जबकि आपके पास जो है वो स्टेटा में ओरिजिनल डेटा आपको दोबारा से लेके दोबारा से वो सारा कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे कैलिफोर्निया स्कूल डेटा ओरिजिनल मेरे पास इंटैक्ट है, उसमें से मैंने सिर्फ तीन वेरिएबल्स जो है वो लिए हैं। तो बुनियादी तौर पे ये मेरे पास तीन वेरिएबल्स आ गए। अब देखिए, तो अगर मैं इसका क्वांटाइल देखना चाहता हूं तो मैंने कहा मुझे क्वांटाइल दे दो, तो उसने क्या किया 25th percentile 50th 75th। अगर आप यहां पे 0.60 0.80 वो सारे के सारे दे देते तो वो आपको वो वाली जो है वो क्वांटाइल स्कोर्स दे देता टेस्ट स्कोर के लिए। अच्छा, मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि आई डोंट नीड मच मैथमेटिक्स, व्हाई इज इट सो, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहां पे देखें तो मैं अब यहां पे अपने डेटा को ग्रुप कर रहा हूं बाय क्लास साइज के, अगर वो ग्रेटर देन 20 है तो उसकी मीन निकाल के दे, अगर वो लेस देन 20 है तो उसका मीन निकाल के दे, और यहां पे हमने उसे कह दिया कि हमें मीन दे दे। तो आप देखिए, तो ये आपके पास जो है वो मीन आ गया फॉर स्मॉल क्लास साइज, ये मीन आ गया फॉर लार्ज क्लास साइज। इसका मतलब है अगर स्टूडेंट्स कम है तो क्लास साइज, तो एवरेज टेस्ट स्कोर ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो एवरेज टेस्ट स्कोर कम है। असल में मैं इसकी मेन बात पे अब जाने जा रहा हूं। ये मेरे पास जीजी प्लॉट, ये लाइब्रेरीज हैं, आप कुछ और वीडियो सुनिएगा, आप उन वीडियोस को सुन के आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आप देखिए, तो ये मेरे पास स्कैटर प्लॉट आ गया। अगर मैं इस स्कैटर प्लॉट को देखूं तो इट्स अ नाइस वे, ये देखिए आपके पास, और यहां पे इट शोज अ नेगेटिव
नेगेटिव स्लोप. बट नाउ आई वॉन्ट कि अच्छा 20 से लेस वाले अलग से आइडेंटिफाई हों और 20 से ग्रेटर वाले अलग से आइडेंटिफाई हों. तो हाउ कैन वी डू दैट? अब ये चीजें एक्सेल वगैरह में नहीं हो सकती. दैट्स वाई वी नीड जो है वो आर, जिसकी ग्राफिक्स बहुत पावरफुल है. तो मैंने यहां पे जीजी प्लॉट टू कैलिफोर्निया स्कूल यूज किया. एक्स वेरिएबल जो आप एक्स इक्वल टू क्लास साइज लिख सकते थे, वाई इक्वल टू टेस्ट स्कोर है. मैंने कलर कर दिया क्लास साइज के लिहाज से और जैम पॉइंट. तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कांट डू इन एक्सेल. अगर आप करनी पड़ेंगी तो आपको बहुत ज्यादा मसला आएगा. उसने हमें कोई एरर दिया है. लेट्स सी व्हाट इज दैट टाइप ऑफ एरर. जीजी प्लॉट टू कैलिफोर्निया तो स्कूल, तो बुनियादी तौर पे लेट्स गो विद दिस. अच्छा, वैसे डेट वन भी यूज कर सकते थे. दैट्स ओके नाउ. ओके नाउ यू सी यू हैव दीज टू थिंग्स. दिस इफ यू टेक एवरेज ऑफ दीज डॉट्स, वर्टिकल डॉट्स, तो वो यहां पे कहीं आएगी. थोड़ी सी आपको 650 के करीब करीब नजर आएगी. अगर आप ये ब्लैक डॉट्स की एवरेज लें वर्टिकली ऐसे, तो वो थोड़ी सी हायर साइड पे आएगी. तो ऑन एवरेज ब्लैक डॉट्स जो है वो हायर हैं देन दीज ब्लू डॉट्स. तो बेसिकली आप चाहें तो इसको और ज्यादा भी कलर करके, और ज्यादा आप इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. आप अपने रीजन्स के लिहाज से, अपनी स्टेट्स के लिहाज से, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के लिहाज से, नो डाउट के एक खास डायमेंशन के बाद वो मीनिंगलेस हो जाएगा. लेकिन अगर तीन चार डायमेंशन हैं तो आपको हर एक पे अलग अलग चीजें नजर आएंगी. हम इस पे चाहें तो अलग से रिग्रेशन फिट करके देख सकते हैं और इस पे चाहें तो अलग से करके देख सकते हैं. एंड वी कैन सी कि वो आपके पास डिफरेंस कैसे आएगा. तो आई मीन कि हमने वो जो स्कैटर प्लॉट और टेबल और टेस्टिंग देखी थी, अब हमने स्टेटा और आर से देख ली. आप देखिए तो यहां पे हम जब मैंने कोर्स के इंट्रोडक्शन में कहा कि थ्रू विजुअल्स, थ्रू फिगर्स, थ्रू एक्सप्लोरेशन वी लर्न, वील गेट मोर इनसाइट देन हैविंग ओनली सिंपल कॉम्प्लिकेटेड सिंपल सिंपली अप्लाइंग इकोनोमेट्रिक मॉडल्स. सो हम इसको लर्निंग करेंगे बाई हैविंग डीप इनसाइट अबाउट दैट फिनोमिना रादर देन जस्ट ब्लाइंडली रनिंग द रिग्रेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. आई होप कि ये जो है वो आपको यूजफुल पर्पज सर्व करेगा. बट अगेन आई वुड लाइक टू से वेदर स्टेटा, वेदर एक्सेल, वेदर आर, यू मस्ट डू इट एट योर ओन. प्लीज रेप्लीकेट. रेप्लीकेशन जो है वो आपको जो है वो हेल्प करेगी टू लर्न दीज थिंग्स और आपको वो जो है